स्वप्न जो है यह हमें संकेत करते हैं और ये एक अदृश्य संकेत है जो इसका वर्णन गोस्वामी जी ने भी स्वप्न के विषय में क्या कहा है और ऐसा सुंदरकांड में भी विवरण मिलता है रावण के संदर्भ में क्या कहते हैं स्वप्न के विषय में। तो स्वप्न अपने फल को जरूर देते हैं। तो आपने प्रश्न है देखिए धन प्राप्ति के स्वप्न, उन पर मैं विषय बोलना चाहता हूं जो विषय है कि कुछ ऐसे स्वप्न है जिनको देखने के बाद हमें तुरंत धन की प्राप्ति होती है। तो जैसे सबसे पहला चीज है कि अगर दाहिने हाथ में सफेद सांप काट ले, सर्प काटे, तो हमें तुरंत धन की प्राप्ति होती है। अगर उठते हैं दूसरे दिन धन की प्राप्ति होती है। यदि हम स्वप्न में भोर में यज्ञ वेदी को देखें, प्रज्वलित अग्नि को जलती हुए, तो हमें धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है और कष्टों से हमारी निवृत्ति होती है। यदि हम स्वप्न में अलंकृत स्त्री, सुवासिनी स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री या वर वधु को देखते हैं स्वप्न में अलंकृत, या केवल वधु को ही देखते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और वर वधु को देखते हैं दोनों को तो महासौभाग्य योग होता है। यदि हम स्वप्न में घनघोर वर्षा देखें तो वर्षा जो है जल नारायण का वास स्थान है और जहां नारायण होंगे वही लक्ष्मी होगी। तो अगर घनघोर वर्षा देखे तो हमको धन की प्राप्ति होती है, कुल की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में हम अशोक, चंपा, जूही, गन्ने का खेत, कमल का फूल देखते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।